हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो सभी प्यारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट। और आज की जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आज काफी मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग। जल्दी से एक बार जोरदार तरीके से सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ जी, सभी प्यारे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है, क्या हालचाल है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? क्लास 11th की तैयारियां एकदम बिल्कुल बढ़िया से हो रही ना भाई? पढ़ाई लिखाई बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 11 से जितना अच्छा पढ़ोगे तो क्लास 12th में उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। ठीक है बेटा, तो हमें शुरुआत करनी होती है 11 से ही। अगर हमें अपना 12th अच्छा करना है तो 12th अच्छा करने का मतलब है कि आपको क्लास 11 से ही बेहतरीन ढंग से एकदम बेटा पढ़ना होता है। क्लियर? डीपीपी का आंसर बेटा, डीपीपी का आंसर आज भी आपको बताया जाएगा। आज की क्लास में आपको डीपीपी पूरा का पूरा बताया जाएगा कि आप मतलब आप में से कौन कौन बच्चों ने डीपीपी का आंसर सेंड किया है। आज डीपीपी का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डीपीपी का आंसर वगैरह अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। डीपीपी का आंसर अभी लास्ट में सब लोगों को मैं बता दूंगा। और जो बच्चे भैया अभी तक भैया लाइक नहीं करे होंगे, शेयर नहीं करे होंगे, वो थोड़ा सा करोड़ देंगे जल्दी से। ठीक है, चलो आ जाए बेटा जल्दी से हम लोग टॉपिक पर आ जाए। आज के हम लोग देखो, आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? जैव विविधता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जैव विविधता। तो आज हम बेटा बिल्कुल एकदम नया टॉपिक नोट करेंगे, जैव विविधता, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो बच्चों बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये आज का आपका एकदम न्यू टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी। हेडिंग लगाइएगा बेटा जल्दी से सब लोग। जी बेटा बिल्कुल सही, जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर है। समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न जीव जातियों का निर्माण होना बेटा, समान प्रकार की कोशिकाओं से बच्चों, समान प्रकार की कोशिकाओं से, समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के, ठीक है बेटा, समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न जीव जातियों के निर्माण होने की क्रिया को बेटा, विभिन्न जीव जातियों के निर्माण होने की क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? जैव विविधता कहते हैं। निर्माण होने की क्रिया को जैव विविधता कहते हैं। सो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये जो आपका जैव विविधता है, देखिए जैव विविधता को अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो बेटा जीवों में पाई जाने वाली विविधता। अगर आप बच्चों, आप एक कभी तालाब, अगर आपने एक तालाब देखा होगा, आपको मैं एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूं, क्या आपने कभी एक तालाब देखा है? आप बोलोगे यस सर। अगर आपने जब तालाब देखा होगा तो क्या इस तालाब में आपको मेंढक, कछुआ, सांप, मछली, ये सब पेड़ पौधे, ये सब दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? पेड़ पौधे, कीड़े मकौड़े, ये सब आपको तालाब के अंदर दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? बोलो मैडम, सब लोग बोलो बताओ मैडम। कीड़े, ठीक है, ये सब आपको दिखाई देंगे कि नहीं? हाँ या ना में बेटा मुझे जवाब दीजिएगा। सब लोग हाँ या ना में मुझे बताएंगे कि आपको दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल दिखाई देंगे, हमें तालाब में ये सब दिखाई देगा। तो ये जो आपका तालाब है, इस तालाब में आपको ये विभिन्न प्रकार के क्या दिखाई देंगे बेटा? जीव। तालाब में आपको ये विभिन्न प्रकार के क्या दिखाई देंगे बेटा? जीव दिखाई देंगे। तो हम बोलेंगे कि इस तालाब को, मतलब ये तालाब में आपकी जैव विविधता पाई जा रही है, यहाँ पास अलग अलग प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आपने एक कमरा है बेटा, इस कमरे के अंदर मान लो आपने केवल बेटा मुर्गियों को पाला हुआ है,
एक कमरा है, इस कमरे के अंदर केवल किसको पाला गया है बेटा? मुर्गियों को। केवल कमरे में मुर्गियां मुर्गियां हैं, तो क्या कमरे में जैव विविधता होगी? आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि कमरे के अंदर केवल एक ही प्रकार का जीव है। तो बेटा एक ही प्रकार के जीवों से जैव विविधता का निर्माण नहीं होता है। जैव विविधता का निर्माण केवल तब होगा जब बच्चों अलग अलग प्रकार के जीव जातियां पाई जाएंगी। तो जैव विविधता कैसे बनता है बेटा? समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न, बेटा विभिन्न मतलब अलग अलग जीव जातियां बन जाती हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं से, देखो आप मेरी बात को समझो, इस दुनिया में सब लोग बेटा, हम जितने भी जंतु हैं, आप अपने आसपास जितने भी जंतुओं को देख रहे हो, ये सब जंतुओं के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। चाहे आप मछली की बात करो, चाहे आप बेटा मुर्गी की बात करो, दोनों के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका। और उस यूकैरियोटिक कोशिका से एक जीव बन गया मुर्गी और एक जीव बन गया बेटा आपका मछली। मतलब समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न जीव जातियों का निर्माण हो गया, और समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न जीव जातियों का निर्माण होना क्या कहलाता है बेटा? जैव विविधता। क्लियर हो गया बेटा? जैव विविधता जो है, सबने नोट कर लिया है, आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीवों का पाया जाना भी बेटा क्या कहलाएगा? जैव विविधता। तो आप एक परिभाषा चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, किसी विशेष स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव जातियों का पाया जाना। एक परिभाषा आप लोगों के लिए और लिख देता हूं, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की जीव जातियों का पाया जाना, अलग अलग प्रकार की जीव जातियों का पाया जाना, जीव जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। तो बेटा आपके लिए एक और परिभाषा मैंने बता दिया, आप इसको भी अगर लिख सकते हो, ठीक है, आप इस तरह भी अगर लिख दोगे तो भी बेटा आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे बेटा। स्कूल के एग्जाम में काफी आता है क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर बेटा ले सब लोग। सर मेरा कमेंट देखिए ना सर, क्या बात है बेटा, देख लिया बेटा आपको कमेंट मैंने, ठीक है, नोट हो गया बेटा सब जल्दी से। बेटा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? पहले बताओ, सबने इतना नोट कर लिया, बताओ बेटा जल्दी से। हाँ भाई क्लियर, ठीक है, चलो बेटा जैव विविधता शब्द, ये जो जैव विविधता शब्द है बेटा, जैव विविधता शब्द किसने दिया था बेटा? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम बेटा प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैव विविधता शब्द बेटा सबसे पहले किसने दिया था? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बेटा? जल्दी बताओ, साइंटिस्ट का नाम एडवर्ड विल्सन। बोलो नन्हे मुन्ने बच्चों, कौन था वो? एडवर्ड विल्सन ने किया था, ठीक है, ये आपको नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए नन्हे मुन्ने बच्चों जल्दी से इसको नोट करिएगा, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? वेरी नाइस बेटा, बेटा बहुत कोशिकाएं पाई जाएंगी उसमें, क्या बात है बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर, चलो बेटा बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। चलो इसके बाद बोलो बेटा सब लोग, यहां तक क्लियर हो गया है, आगे बढ़े बोलो। चलो नेक्स्ट, अब आपको मैं आपको कुछ जीवों की संख्या बताना चाहता हूं, आपको मैं कुछ जीवों की संख्या दिखाना भी चाहूंगा कि विश्व में इस समय
पेड़ पौधों जंतुओं सूक्ष्म जीवों की कितनी जातियां पाई जाती हैं। तो देखो इस समय आप देखोगे जो कीट है, कीट जानते हो बेटा, कीड़े मकोड़े, जो कीड़े मकोड़े हैं बेटा उनकी संख्या इस समय, ठीक है, कीड़े मकोड़ों की जातियों की संख्या कितनी है बेटा, कीड़े मकोड़ों की जो जातियों की संख्या है बेटा वो 10,25,000 है बेटा। कितनी है? 10,25,000 बेटा दुनिया में कीड़े मकोड़ों की जातियां हैं। इस दुनिया में बेटा पौधे, और पौधों में मैंने क्या लिखा हुआ है, हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब होता है बेटा, ठीक है, हायर प्लांट्स का मतलब होगा आपका उच्च पौधे, बड़े पेड़ पौधे। तो दुनिया में बड़े पेड़ पौधों की संख्या बेटा कितनी है, सब लोग बताओ बेटा जल्दी से, सब लोग बताओ बेटा, बड़े पेड़ पौधों की संख्या कितनी है, 2,70,000 बेटा बड़े पेड़ पौधों की संख्या है। इस दुनिया में बेटा मछलियों की संख्या देखो कितनी है, मछलियों की संख्या मतलब मछलियों की जो जातियां हैं बेटा, मछलियों की कितनी जातियां बेटा धरती पर पाई जाती हैं, तो मछलियों की 26,959 जातियां बेटा धरती पर पाई जाती हैं। इसी प्रकार आप जानते हो बेटा सरीसृप, सरीसृप का मतलब जानते हो बेटा, सांप वगैरह, सांप वगैरह बेटा। इस दुनिया पर बेटा जो सांप वगैरह हैं, तो कितने प्रकार के बेटा आपको सांप, मगरमच्छ, ये सब बेटा सरीसृप में आते हैं। तो सरीसृप की कितनी जातियां बेटा पाई जाती हैं, सरीसृप की बेटा इस समय अगर हम बात करें तो 7,150 जातियां पाई जाती हैं बेटा। ये जातियां हैं, जातियां मतलब इतने अलग अलग प्रकार के आपको मिलते हैं बेटा। बेटा मछलियों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है, और मेंढक में भी यूकैरियोटिक कोशिका होगी बेटा, दोनों में ही वही होता है, क्लियर। चलो बेटा ये संख्या नोट कर लिया सभी की, जातियों की संख्या। आगे बच्चों आगे सुनते हैं और आगे बातों को ध्यान देते हैं बेटा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है उभयचर, उभयचर बेटा इस समय धरती पर उभयचर की कितनी जातियां पाई जाती हैं, 4,780 जातियां बेटा उभयचर की हैं जो धरतियों पर पाई जाती हैं। खुशी बेटा कह रही है सर ये नीट वाले पढ़ सकते हैं, प्लीज बताइए बेटा, बिल्कुल पढ़ सकते हो, नीट में आपको जो भी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आते हैं सारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पक्षी बेटा, पक्षी, पक्षी बेटा, पक्षियों की कितनी जातियां बेटा धरती पर पाई जाती हैं, तो पक्षियों के बेटा आपको 9,700 जातियां धरती पर मिल जाती हैं बेटा। स्तनधारी जंतु, हम लोग मनुष्य वगैरह बेटा इसी में आता है, और मनुष्य वगैरह और जो आपके गाय भैंस वगैरह है सबको मिला लो, पूरे स्तनधारी, स्तनधारियों की बेटा 4,650 जातियां धरती पर पाई जाती हैं। स्तनधारियों की बेटा 4,650 जातियां। साइनोबैक्टीरिया बेटा, साइनोबैक्टीरिया का मतलब नीले हरे शैवाल और जीवाणु वगैरह, धरती पर कितनी जातियां हैं इनकी, 4,000। और बेटा आप देख लो जल्दी से विषाणुओं की संख्या, विषाणुओं की मतलब विषाणु कितने प्रकार के धरती पर पाए जाते हैं बेटा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, विषाणुओं की इतनी जातियां देख रहे हो धरती पर पाई जाती है। आपने केवल कुछ ही विषाणु का नाम सुना है, लेकिन बेटा विषाणु दुनिया में बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हाल में आपने नाम सुना होगा ना कई विषाणुओं का नाम, लेकिन ये कई विषाणु में सोचो इतनी जातियां जो हैं विषाणुओं की धरती पर पाई जाती हैं, क्लियर बेटा। चलो तो पहले आप लोग इन सबका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। अब हम लोग बेटा एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा वर्गीकी, वर्गीकी क्या होता है बेटा, आपको सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा बेटा वर्गीकी, आपके कोर्स में दिया भी हुआ है और यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है। वर्गीकी जिसको आप बेटा इंग्लिश में बोलते हो टैक्सोनॉमी, आ सकता है ये पेपर में, बिल्कुल आ सकता है, मैं इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि ये आपके परिभाषा के तौर पर आपके पेपर में आता है, ठीक है। वर्गीकी, पहले सब लोग हेडिंग लगाइएगा और इंग्लिश बेटा जरूर नोट करिएगा वर्गीकी की, क्या बात है बेटा, वर्गीकी नोट हो गया जल्दी से। वर्गीकरण के सिद्धांतों और विधियों के अध्ययन को बेटा, वर्गीकरण के सिद्धांतों, वर्गीकरण के सिद्धांतों और विधियों के अध्ययन को
बेटा अभी मैं आप लोगों को वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने बोला है कि वर्गीकरण के सिद्धांतों, तो वर्गीकरण का मतलब क्या है यह मैं आपको अभी बेटा पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। वर्गीकरण के सिद्धांतों और ठीक है विधियों, वर्गीकरण के सिद्धांतों और विधियों के अध्ययन को, वर्गीकरण के सिद्धांतों और विधियों के अध्ययन को वर्गीकी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्गीकी कहते हैं। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, वर्गीकी के सिद्धांतों, ठीक है, ये जो आपका वर्गीकी, वर्गीकी क्या होता है बेटा? आपका वर्गीकरण, आप वर्गीकरण जानते हो बेटा, वर्गीकरण अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में आपको मैं वर्गीकरण की परिभाषा बताऊंगा। तो वर्गीकरण के जो सिद्धांत होते हैं, अभी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, अभी वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण के सिद्धांतों और जो वर्गीकरण की विधियां होती हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्गीकी। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्गीकी, ठीक है। तो पहले आप लोग वर्गीकी की एक छोटी सी परिभाषा लिखिएगा, वर्गीकी है क्या। अब बेटा आपको पहले वर्गीकी से जो कुछ क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, पहले उसको बताएंगे और साथ में स्कूल वाले क्वेश्चन बताएंगे। पहले बेटा आप लोगों ने इतना नोट कर लिया जल्दी से? जी बेटा, वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटा किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका नीट में और स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम बेटा प्रयोग, वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटा किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग APD साइंटिस्ट का नाम बेटा लिखिए, APD कैंडोले, वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम बेटा प्रयोग APD कैंडोले ने किया था। APD कैंडोले ये एक बेटा साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्गीकी शब्द दिया था। तो अगर आपके बेटा स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्गीकी शब्द किसने दिया था, क्या बताओगे बेटा? चैट बॉक्स में बहुत जल्दी जल्दी बताया करो भाई, वर्गीकी शब्द किसने दिया था बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया। क्या बात है, नोट हो गया सर जी? नोट हो गया ना भैया? अरे नोट हुआ कि नहीं हुआ बोलो। अब बेटा ये जो आपका, ठीक है बेटा, जो वर्गीकी होता है, अब आपको मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा और इसके स्पेशल पॉइंट बेटा। ये जो आपका वर्गीकी के जनक कौन है बेटा? वर्गीकी के जनक किसे कहते हैं? तो वर्गीकी के जनक हम लोग कहते हैं बेटा, वर्गीकी के जनक, वर्गीकी का जनक कहते हैं बेटा हम लोग किसे? तो वर्गीकी का जो जनक है हम लोग बेटा बोलते हैं कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस जो है बेटा इनको हम लोग वर्गीकी का जनक कहते हैं। और भारतीय वर्गीकी के जनक, जो भारत के वर्गीकी के जनक कौन है? तो भारतीय वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी बेटा किसे बोलते हैं? एच सांता पाऊ, एक वैज्ञानिक थे बेटा हमारे भारत के, इनका नाम था एच सांता पाऊ। ये बहुत शांत रहते थे ना, मुझे इनका नाम देख के लगता है कि ये बहुत शांत रहते रहे होंगे ना, इसीलिए इनके घर वालों ने इनका नाम रख दिया होगा सांता पाऊ। बहुत शांत रहते हो बेटे तुम, इसलिए तुम्हारा नाम हो गया सांता पाऊ, ठीक है। तो आपके वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, भारतीय वर्गीकी के जनक किसे कहते हैं? एच शांता पाऊ, क्लियर। अब बेटा ये जो आपका वर्गीकी होता है,
वर्गीकी में चार बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी, जब भी हम किसी जीव की वर्गीकी करेंगे, वर्गीकी का मतलब जब भी हम किसी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, तो जब भी आप किसी जीव के वर्गीकरण का अध्ययन करोगे, देखो वर्गीकी को आप बहुत सरल भाषा में बोल सकते हो वर्गीकरण का अध्ययन। तो जब आप किसी जीव के वर्गीकरण का अध्ययन करोगे तो आप उसमें चार बिंदुओं का ध्यान रखोगे। तो वर्गीकरण का अध्ययन मतलब वर्गीकी, और वर्गीकी में चार बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी में चार बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, नोट करिएगा। वर्गीकी में चार बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी में हम लोग चार बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, चार बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक, चार बिंदुओं का आप अध्ययन करोगे वर्गीकी में। पहला नामकरण, वर्गीकरण, या पहला पहचान, फिर नामकरण, फिर वर्गीकरण, और फिर क्या हो जाएगा आपका, बंधुता। चौथा नंबर आपका क्या होगा बेटा, बंधुता, एफिनिटीज बोलते हैं। तो वर्गीकरण में हम लोग चार बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पहला बिंदु क्या होता है बेटा, पहचान। पहले आप जीवों का पहचानते हो कि पहले नामें लिख देते हो, मजा आया ना भैया। चलो आगे देखो, वर्गीकी में आप सबसे पहले क्या करते हो, अरे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके अगर घर में, अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो पहले हम लोग पहचान, फिर नामकरण, फिर क्या करते हैं, फिर वर्गीकरण। देखो मैं आपको कह रहा था ना कि हमें वर्गीकरण अभी पढ़ना है, देखो वर्गीकरण आ गया, अभी ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और चौथा नंबर आपका क्या है बेटा, चौथा नंबर आपका है बंधुता, ठीक है। देखो तो इन चार बिंदुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं वर्गीकी में। अब मेरी एक बात बताओ, अगर मैं आपके घर, अगर आपके घर कोई आता है, ठीक है, अगर आपके घर कोई आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, दरवाजा खोल देते हो? नहीं, आपके घर अगर पहले कोई आएगा तो पहले आप उसकी पहचान करते हो, है ना। आपके घर अगर कोई आता है तो आप पहले उसे पहचानते हो, अरे चाचा आ गए क्या, अरे मौसी आ गए क्या, मतलब आप सबसे पहले पहचानते हो, है ना भैया। तो हम भी लोग सबसे पहले यही करते हैं, ठीक है, हम भी लोग सबसे पहले, मतलब जब भी हमें वर्गीकी का अध्ययन करना, मतलब वर्गीकरण का अध्ययन करना है, ठीक है, जब भी हमें बेटा वर्गीकरण का अध्ययन करना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जीवों को पहचानते हैं। तो पहले पहचानोगे, ठीक है, पहचानने के बाद आप उनका नाम रखते हो, मतलब कि आप पहले पहचानोगे कि ये मेरे मौसी है कि मौसा है। तो पहचान के नाम रखते हो कि पहले नाम रख देते हो फिर पहचानते हो, ऐसा करते हो क्या आप? क्या आपको कोई, आप गए आए, आप किसी पता चला घर गए और वहां पास कोई आपको दिखा, आपने बिना देखे उसको बोल दिया और मौसी, पता चला बाद में देखा तो वो मौसी नहीं, मौसी के घर के नौकरानी थी, आए, ऐसा नहीं बोल देते ना, ऐसा नहीं होता ना, आप बिना पहचाने नाम नहीं देते हो, आप पहचान के ही नाम देते हो कि कोई पीछे मुड़ा हुआ है और चाचा, पता चला देखे ना वो चाचा है ना चाची, पीछे मुड़ा था उसका नाम दे दियो चाचा, ऐसा करते हो क्या? नहीं, पहले आप करते हो पहचान, ठीक है, क्या बात है बेटा, हाँ भाई, ठीक है, एकदम। देखो बेटा ये जो आप पहले, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जीवों की पहचान करते हो। जीवों की पहचान करने के बाद आप उस जीव का बेटा नामकरण करते हो।
फिर नामकरण करने के बाद आप उसका वर्गीकरण करोगे। वर्गीकरण करने का मतलब आप जो है देखोगे कि वो पापा के खानदान से है कि मम्मी के खानदान से है ना। अगर मान लो मम्मी के खानदान से है तो ज्यादा सम्मान उम्मान मिलेगा कि पापा के खानदान वालों को ज्यादा सम्मान मिलता है, भाई बताना कमेंट करके आए, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, वर्गीकरण करते हो। मैं आपको जनरल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे समझाने के लिए। फिर आपका सबसे लास्ट में आता है बेटा बंधुता। बंधुता का मतलब होता है बेटा ये जो सजीवों के बीच आपसी संबंध होते हैं, सजीवों के बीच आपसी संबंधों को हम क्या बोलते हैं बेटा, बंधुता कहते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश, बेटा सब इंग्लिश बता देता हूं, लिख लो बेटा इंग्लिश। सबसे पहले नंबर पर आता है बेटा पहचान। वर्गीकरण का मतलब वर्गीकी का सबसे पहला बिंदु क्या होता है, पहचान। पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है पहचान। सर क्लास 12th की लाइव क्लास कब चलेगी, बेटा क्लास 12th की जो क्लासेस होती हैं वो आपका शुरू होता है बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रात को 8 बजे, क्लियर बेटा जी प्यारे बच्चों। सो पहचान की पहले इंग्लिश सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो बेटा पहचान का मतलब वह क्रिया जिससे किसी जीव को अन्य जीवों से पहचाना जाता है बेटा। बेटा जब आप क्या करते हो, जी बेटा बहुत बढ़िया, जब आप किसी जीव को बेटा आप किसी जीव को पहचानते हो तो आप किसी जीव को उसके लक्षणों के आधार पर पहचानते हो। अगर मैंने आपको बोला मछली तो आप समझ गए मछली पानी में होगा, उसके गलफड़े होंगे, है ना, मछली मतलब पानी में रहेगी वो। लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया चिड़िया तो आप तुरंत समझ जाओगे चिड़िया के लक्षण। तो वह क्रिया जिसके द्वारा हम लोग जीवों की पहचान करते हैं, जिस क्रिया के द्वारा किसी जीव को अन्य जीव से पहचाना जाता है तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो वह क्रिया जिसके द्वारा किसी जीव को अन्य जीवों से पहचाना जाता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, क्लियर। पहचान सबको क्लियर हो गया। पहचान के बाद बेटा आपको मैंने दूसरा नंबर क्या बताया था, नामकरण। नामकरण का इंग्लिश क्या होता है बेटा, नोमेनक्लेचर। किसी जीव को नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देना। बेटा आप क्या करोगे, आप किसी जीव के बेटा, अगर आप किसी जीव का क्या करते हो अंतरराष्ट्रीय नियमों के द्वारा, बेटा मेरी बात को समझना, अगर हम किसी जीव का नाम लिखते हैं तो किसी जीव का अगर आप नाम लिखोगे तो किसी जीव का नाम आप अपने मन गलत तरीके से नहीं लिख सकते हो। आपको मान लो पौधा, दुनिया में आपको एक नया प्रकार का पौधा दिया तो आप इस नए प्रकार के पौधे को बेटा अपने हिसाब से नाम नहीं दे दोगे कि मैंने इसको जनवरी में खोजा तो इस पौधे का नाम हो गया जन्नू। आए ऐसे नाम नहीं होता है कि खोज लिया कौनो महीना में उसका नाम रख दिए जन्नू, खोज लिया गया फरवरी में नाम हो गया फन्नू। अपने हिसाब से नाम नहीं रखोगे, ठीक है, कि किसी जीव को अपने हिसाब से नाम रख दिया, आए पता चला वो पानी मिला तो नाम हो गया पन्नू, ऐसे ना होता है भैया, ठीक है। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम अपने मन से नहीं लिखते हैं, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम अगर लिखना होगा, किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना होगा तो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम लिखना होगा। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम बेटा किसके आधार पर लिखते हो, अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार लिखते हैं। अब बच्चों आगे सुनो, ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय नियम है, अंतरराष्ट्रीय नियम में हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बेटा क्या, हम लोग एक पढ़ेंगे जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और एक पढ़ेंगे बेटा नोमेनक्लेचर, एक बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है।
जंतुओं के नाम लिखने को बोलेंगे बेटा हम लोग ICZN। अगर आप किसी जंतु का नाम लिखोगे तो उसको बोलेंगे बेटा कौन सा अंतरराष्ट्रीय नियम का पालन करोगे, ICZ, ठीक है। अरे ठीक है, ये रहेगा IUZN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और बॉटनिकल का मतलब IUBN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो अगर आप पेड़ पौधा का नाम लिखोगे तो इस नियम का पालन करोगे, अगर आप जंतुओं का नाम लिखोगे तो इस नियम को पालन करोगे, ठीक है बेटा। और ये सब जो है, ये सब का जो फुल फॉर्म है, कुछ बच्चा सोच रहा होगा अरे सर इन सब का फुल फॉर्म हमें कहां मिलेगा, तो बेटा आपके लिए मैंने सारी चीजें नोट्स में ऐड करा दी हैं। ये देखिए बेटा, आपके लिए मैंने सारी चीज नोट्स में ऐड करा दी हैं, बस आपको एकदम मन लगा के पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ये देखो इंटरनेशनल, ये आपका ICBN है, देखो आपका ठीक है, एक आपका होगा ICZN है, कुछ ये अन्य नाम है ठीक है। इसके अलावा आपको ये देखिए जो मैंने आपको बताया है ICBN, एक होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, पेड़ पौधों के नियमों को या पेड़ पौधों का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना है तो ICBN के नियमों का पालन करोगे, अगर जंतुओं का नाम लिखना है तो ICZN के नियमों का पालन करोगे, ठीक है। ICZN बेटा क्या होता है, इसमें हम लोग जंतुओं के नियमों का पालन करेंगे बेटा। बेटा क्लास जो होगी वो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार होगी, ठीक है। हाँ क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दोनों बेटा क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गए। पहला हमारा था बेटा पहचान, दूसरा था नामकरण। पहचान और नामकरण सब लोगों को क्लियर हो गया, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा बेटा स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। पहचान का, उसके बाद ये आ गया आपका नामकरण का। नामकरण के बाद बेटा आता है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, देखो जल्दी से, वह क्रिया जिसमें जीवों को समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में हम रखते हैं। तो बेटा मान लो आप किसी जीव है, मान लो कोई जीव है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं एक आपको एक जंगल, एक मान लो एक जंगल है, इस जंगल में आपको केचुआ, खरगोश, सांप, केकड़ा ये सब मिल रहा है, साथ में आपको आम का पेड़, जामुन का पेड़, घास, पपीते का पेड़ मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ आप क्या करोगे, आपके पास एक जंगल है, एक जंगल में बेटा ये सारी चीजें पाई जा रही हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जंगल में आपको ये सब मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि ये चारों जंतु हैं, ये चारों क्या हैं, जंतु हैं, तो ये जंतु हैं और जंतुओं में आपस में लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं, और ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके पेड़ पौधे हैं, तो इनके लक्षण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर हम किसी जीव को आप समानता, मैंने इन चारों को एक साथ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इनमें आपस में समानता है, इनमें आपस में क्या समानता है बेटा, ये चारों आपके जंतु हैं, लेकिन आप यहां देखो ये इन चारों में आपस में क्या समानता है, ये चारों बेटा आपके पौधे हैं। तो अगर हम जीवों को, किसको बेटा, जीवों को समानता के आधार पर, समानता के आधार पर, और या तो आप जानते हो कि ये जंतु है और ये पौधा है, तो इसको हमने आपस में अलग कैसे कर लिया, असमानता के आधार पर। जंतु जंतु समान है और जंतु और पौधा असमान लक्षण का है। आप जैसे अपने स्कूल में देख रहे होगे, अब आप क्लास 11th में आ गए हो, तो
क्लास 11th में बेटा बायो वालों को एक साथ रखेंगे, बायो वाले क्लास 11th में एक साथ रहेंगे और आपके मैथ वाले अलग रहेंगे। तो ये बायो का समूह अलग हो गया, मैथ का समूह अलग हो गया। क्यों? क्योंकि बायो वाले एक समानता वाले हैं, मैथ वाले एक समानता वाले हैं। तो बायो वालों को बायो वाले के साथ रखा गया क्योंकि उनके लक्षण समान हैं, मैथ वालों को मैथ वाले के साथ रखा गया क्योंकि उनके लक्षण आपस में समान हैं। तो आपने समानताओं के आधार पर अलग कर लिया, दो समूह में बांट दिया। इसी प्रकार आप देख रहे हो कि मैथ को मैंने अलग किया हुआ है, बायो को अलग किया हुआ है। मैथ और बायो को अलग क्यों किया गया है? क्योंकि इन दोनों में आपस में है असमानता। अगर आप दोनों को बैठा कर, पता चला एक ही क्लास में अगर आप बायो और मैथ के बच्चों को बैठा के क्या पढ़ा रहे हो, पता चला आप बायो वाले और मैथ वाले बच्चे दोनों को मिलाकर एक टीचर उसी क्लास में मैथ पढ़ा रहा है, एक टीचर उसी क्लास में बायो पढ़ा रहा है, तो ना तो बच्चे को अच्छे से बायो समझ में आएगी ना तो मैथ। क्यों? क्योंकि एक ही क्लास में सब पूरा मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों को क्या कर दिया जाता है, दोनों को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप कोई जीव है, अगर आप किसी जीव को समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बेटा बांटोगे तो आप इसे क्या बोलोगे, वर्गीकरण। क्लियर हो गया बेटा वर्गीकरण सबको? वर्गीकरण के बाद बेटा आपका अगला नंबर क्या आता है नन्हे मुन्ने बच्चों? वर्गीकरण के बाद आपका अगला नंबर आता है बेटा बंधुता। क्या आएगा बेटा? बंधुता। बंधुता देखिए क्या होता है, सब लोग जल्दी से आएंगे उसके बाद हम लोग बंधुता पढ़ेंगे बेटा। बंधुता हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द्विनाम पद्धति। बंधुता का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया कि बंधुता का मतलब क्या होता है। बंधुता का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, ये जो बंधुता है, बंधुता का मतलब क्या होगा? एक मिनट भैया, ये बोर्ड कभी कभी जो है ना, बोर्ड कभी कभी, हाँ चलो सही हो गया। तो बंधुता का मतलब होता है बेटा सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन। बेटा सजीवों में आपसी जो संबंध है, जी बेटा इंग्लिश भी नोट करिएगा बेटा, सजीवों में आपसी संबंध, सजीवों के बीच में जो आपसी संबंध होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं बंधुता, ठीक है? तो बंधुता आपके स्कूल के एग्जाम में नहीं आता है, ये नीट के एग्जाम के लिए पूछ सकता है, लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम में पहचान आ सकता है, नामकरण आ सकता है और वर्गीकरण भी आ सकता है। तो बंधुता सबको क्लियर हो गया, बंधुता का मतलब सब लोगों को यहां तक क्लियर हो गया हो तो जल्दी से मुझे बताएंगे एकदम, यस सर यहां तक क्लियर हो गया तू? हाँ भाई एकदम जैसे बताओ मुझे, यहां तक सब लोगों को अगर क्लियर हो गया हो तो हम इसके आगे बताएंगे फिर, ठीक है? इतना भाई जल्दी बताना फटाफट एकदम, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई होंगी तो अब हम लोग फिर इसके आगे एक आध नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन इतना पहले आ गया होगा तब। हाँ भाई जल्दी बताओ फटाफट, क्या बात है, क्लियर? जल्दी से बताओ, हो गया भैया? आगे बढ़े हम लोग, एक मिनट थोड़ा सा, चलो यस सर यस सर यस सर, चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमें जो अगला टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है, क्या? द्विनाम पद्धति। बेटा द्विनाम पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जब भी आप जीवों का नामकरण करोगे, ठीक है, अगर आप किसी जीव का मान लो क्या करते हो, नामकरण, ये बेटा आपके स्कूल के एग्जाम में बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? द्विनाम पद्धति आपका समझ लो काफी बोर्ड एग्जाम में आने का और आपके स्कूल में काफी आने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? द्विनाम पद्धति के बारे में, ठीक है बेटा? तो द्विनाम पद्धति बेटा आपको सबसे पहले तो मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। पहले द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम, ठीक है? पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश भी बाइनोमियल सिस्टम,
यहां से आपको कई क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम, आपके नीट के एग्जाम में आ जाएंगे बेटा, कई क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। नीट में भी काफी आता है, स्कूल में भी काफी आता है। चलो समझते हैं, एक एक नियमों को अच्छे से समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो द्वि नाम पद्धति है, सबसे पहले द्वि नाम पद्धति के बारे में किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैस्पार्ड बाउहिन, ने अपनी पुस्तक पाइनेक्स थिएटर बॉटेनिका में दी थी। ये जानकारी आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, बट इस जानकारी को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा कि जो द्वि नाम पद्धति थी इसके बारे में सबसे पहले जो आपका बताया था, ठीक है। द्वि नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था बेटा, उनका नाम था गैस्पार्ड बाउहिन, और इनकी जो किताब है उस किताब का नाम क्या था, पाइनेक्स थिएटर बॉटेनिका, और इसी किताब में इन्होंने द्वि नाम पद्धति के बारे में बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। किताब का नाम भी नीट में पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा आपको पता होगा कि साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस को द्वि नाम पद्धति का हम जनक कहते हैं बेटा, ठीक है। हाँ बहुत जल्द बेटा कंप्यूटर क्लासेस भी चलेंगी, बहुत जल्द बेटा। द्वि नाम पद्धति के जनक किसे बोलते हैं, तो द्वि नाम पद्धति का जो जनक है बेटा वो कहते हैं कैरोलस लिनियस को हम लोग द्वि नाम पद्धति के जनक कहते हैं। और कैरोलस लिनियस ने द्वि नाम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्होंने सभी पौधों और जंतुओं के वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत किए थे, इसीलिए कैरोलस लिनियस को द्वि नाम पद्धति का संस्थापक भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब जो ये कैरोलस लिनियस थे बेटा, अगला नीट का क्वेश्चन सुनो बेटा, कैरोलस लिनियस, सब लोगों ने पहले यहां तक फोटो खींच लिया था, सबने बेटा यहां तक पहले फोटो खींच लिया था, सबने यहां तक फोटो खींच लिया था बेटा। आगे बढ़े जल्दी से, इसके बाद देखो बेटा पादपों का जो वैज्ञानिक नाम था बेटा, जो कैरोलस लिनियस थे इन्होंने पौधों के वैज्ञानिक नाम को अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में प्रस्तुत किए बेटा। ये आपको नीट में ये भी मिल जाएगा कि कैरोलस लिनियस ने जो पौधों का वैज्ञानिक नाम था उसको अपनी किस किताब में लिखा था, तो इन्होंने पौधों के वैज्ञानिक नाम को स्पीसीज प्लांटेरम नाम की किताब में लिखा था। और ये किताब बेटा 1 मई 1753 में प्रकाशित हुई थी, और 1 मई 1753 से पहले अगर किसी पौधे का नाम दिया गया होगा तो वो वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं होगा। आपको ध्यान देना है कि 1 मई 1753 से पहले अगर किसी ने पौधे का वैज्ञानिक नाम दिया होगा तो वो नाम गलत माना जाएगा। हमेशा जो पौधे का वैज्ञानिक नाम है, पौधे का वैज्ञानिक नाम कब से माना जाता है बेटा, सही बताओ, सही वैज्ञानिक नाम पौधे का कब से माना जाता है, 1 मई 1753, ठीक है। पौधों का वैज्ञानिक नाम माना जाता है कि यहां से सही है, ठीक है। ये बेटा सन जरूर याद करिएगा, 1 मई 1753 नीट में क्वेश्चन आता है, और 1 मई 1753 को बेटा ये आपकी किताब स्पीसीज प्लांटेरम किताब प्रकाशित हुई थी, और इस किताब में आपको पौधे के वैज्ञानिक नाम है, इस किताब में पौधों के वैज्ञानिक नाम है, क्लियर। इसी प्रकार बेटा जो आपके लिनियस थे, ठीक है भाई, क्लियर एकदम, चलो बताओ डेविड इतनी बातें क्लियर हो गई। और जंतुओं का वैज्ञानिक नाम बेटा कब से माना जाता है, 1 अगस्त 1758, ये भी बेटा नोट कर लीजिएगा, जंतुओं का जो वैज्ञानिक नाम है बेटा वो 1 अगस्त 1758 से सही माना जाता है, ये भी बेटा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका जो है वो स्पीसीज प्लांटेरम के 10वें संस्करण में था, स्पीसीज प्लांटेरम का जो है ना
जी बेटा बहुत बढ़िया। हाँ क्लियर इतनी बातें। चलो तो पौधों का वैज्ञानिक नाम अगर हम पूछे बेटा, पौधों का वैज्ञानिक नाम कब से सही माना जाता है? 1 मई 1753। और जंतुओं का वैज्ञानिक नाम बेटा कब से सही माना जाता है? 1 अगस्त 1758। बेटा ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से, पौधों का वैज्ञानिक नाम सही माना जाता है 1 मई 1753, जंतुओं का वैज्ञानिक नाम बेटा 1 अगस्त 1758 से। ठीक है बोलिए जल्दी से, क्लियर एकदम जी। हाँ और इस वाली किताब 1 मई 1753 को कौन सी किताब बेटा पब्लिश हुई थी? स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम किताब प्रकाशित हुई थी। ठीक है बेटा नोट करिएगा जल्दी से। हाँ क्लियर बेटा, चलो वेरी नाइस बेटा, आगे देखिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका आता है, अब मैं आपको बेटा कुछ वैज्ञानिक नाम बता देता हूं, अब मैं आपको द्विनाम पद्धति के कुछ वैज्ञानिक नाम बता देता हूं जिनको आपको बहुत ध्यान से बेटा सुनना है और इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझना भी है बेटा। ठीक है चलो अब एक एक करके इन नियमों को पढ़ते हैं। देखो अगर आप द्विनाम पद्धति लिखते हो, याद कर लो बेटा द्विनाम पद्धति में सदैव दो शब्द होते हैं। द्विनाम पद्धति बेटा, द्विनाम पद्धति का मतलब होता है अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम बेटा, यदि किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को अगर आप मान लो बेटा, द्विनाम पद्धति का पहले मतलब समझ लो क्या होता है, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को दो शब्दों में लिखना, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को दो शब्दों में लिखना द्विनाम पद्धति कहलाता है। अगर आप किसी जीव का वैज्ञानिक नाम जो है वो दो शब्दों में लिखते हो, दो शब्दों में या दो घटकों में भी आप लिख सकते हो, अगर आप कोई जीव का जो वैज्ञानिक नाम है ठीक है बेटा वो कितने शब्दों में लिखते हो आप, दो शब्दों में, द्विनाम पद्धति कहलाता है। जैसे जैसे बेटा आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? मैंगीफेरा इंडिका। तो यहां पास आप देख रहे हो कि आम का वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों में लिखा हुआ है बेटा, दो शब्दों में। तो अगर आप किसी जीव का वैज्ञानिक नाम बेटा दो शब्दों में लिखते हो, बेटा हमेशा ध्यान रखना, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को अगर आप दो शब्दों में लिखते हो तो ये दो शब्दों में वैज्ञानिक नाम लिखना बेटा क्या कहलाता है? द्विनाम पद्धति। ठीक है, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को दो शब्दों में लिखना या दो घटकों में लिखना द्विनाम पद्धति कहलाता है। आगे सुनो बेटा, ये जो द्विनाम पद्धति होगी, इस द्विनाम पद्धति में जो पहला शब्द होता है बेटा, ये पहला शब्द बेटा जीवों के वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द, तो वैज्ञानिक नाम का जो पहला शब्द होता है बेटा, वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द, ये वैज्ञानिक नाम जो होगा जीवों का, ये जीवों का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसमें जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द, पहले शब्द को बेटा हम बोलते हैं वंश। पहला शब्द बेटा क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या कहलाता है? वंश, इंग्लिश में बोलेंगे जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, या आप बोलोगे इसी को जीनस। लेकिन ये जो वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द होता है, जीवों के वैज्ञानिक नाम का जो दूसरा शब्द होगा बेटा, ये दूसरा शब्द क्या कहलाता है? ये दूसरा शब्द कहलाता है जाति।
दूसरे शब्द को हम क्या बोलते हैं बेटा, जाति बोलते हैं। दूसरा शब्द जाति कहलाता है, और जाति को इंग्लिश में स्पेसिफिक एपिथेट या हम स्पीसीज बोलते हैं, या बेटा क्या बोलते हैं, स्पीसीज। तो वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द और दूसरा शब्द बेटा नोट हो गया। हाँ, पहला शब्द वंश कहलाएगा, दूसरा शब्द जाति कहलाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते चलिएगा बेटा। ये जो आपका वंश होता है, वंश को सदैव बड़े अक्षरों से लिखना प्रारंभ करते हैं। जो वंश होगा, वंश को सदैव बड़े अक्षरों से लिखना प्रारंभ करते हैं, बड़े अक्षरों से लिखना प्रारंभ करते हैं। अगर आप वंश लिखोगे तो वंश को सदैव बड़े अक्षरों से लिखना प्रारंभ करते हैं। और जो बेटा जाति होता है, जाति को सदैव बेटा हम छोटे अक्षरों से लिखते हैं, जाति को सदैव छोटे अक्षरों से लिखना प्रारंभ करते हैं, जाति को सदैव बेटा छोटे अक्षरों से लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे आप यहां पास देखो, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। जैसे गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम, मैंने देखो ये टी पहला शब्द क्या होता है, वंश, और वंश का देखो ये जो कैपिटल टी है, मैंने वंश की शुरुआत कैपिटल टी से किया है, और ये है जाति। ये दूसरा शब्द क्या होता है बेटा, जाति, और जाति की शुरुआत मैंने देखो छोटे अक्षर से की है। वंश की शुरुआत मैंने बड़े अक्षर से की है, और जाति की शुरुआत देखो मैंने छोटे अक्षर से की है। ठीक है, ये भी हो जाएगा बेटा। हाँ भाई, हो गया बेटा यहां तक नोट। बताओ बेटा, जैसे वैज्ञानिक नाम बेटा सदैव लैटिन भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि यह एक मृत भाषा है। इसके बाद अगला पॉइंट बेटा लिखिएगा, वैज्ञानिक नाम को सदैव हम किस भाषा में बेटा लिखते हैं, लैटिन भाषा में। जी बेटा बिल्कुल सही, वैज्ञानिक नाम को हम लोग, जो वैज्ञानिक नाम होता है बेटा, वैज्ञानिक नाम को सदैव कौन सी भाषा में लिखते हैं, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। वैज्ञानिक नाम को, वैज्ञानिक नाम सदैव लैटिन भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि यह मृत भाषा है, आप इस भाषा का कोई उपयोग नहीं करता है, और इसीलिए हम लैटिन भाषा में लिखते हैं, ताकि जो वैज्ञानिक नाम है ठीक है वो बार बार बदले ना जा सके। देखिए ये भाषा मृत हो गई है, ये भाषा मृत हो गई है, अब इसको कोई नहीं बोलता है, ताकि ये जो वैज्ञानिक नाम है लोग उसको बार बार बदल ना दें। ठीक है, और अगर वैज्ञानिक नाम को आप, वैज्ञानिक नाम यदि बेटा देख सुनो जैसे लास्ट नियम है, अगर वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखोगे, क्या लिखोगे, हाथ से लिखने पर, वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखने पर बेटा वंश और जाति को अलग अलग रेखांकित करते हैं, वंश और जाति को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं बेटा, रेखांकित करते हैं। ठीक है, रेखांकित करते हैं अगर हाथ से लिखोगे तो। अगर वैज्ञानिक नाम को बेटा छापते हैं, अगर वैज्ञानिक नाम को किसी किताब वगैरह में छापते हैं तो इटैलिक्स मतलब तिरछे अक्षरों में छापते हैं। ठीक है, अगर आप वैज्ञानिक नाम को बेटा किसी किताब में छापोगे तो तिरछे अक्षरों में छापोगे, मतलब इटैलिक्स में छापोगे। तो ये बेटा द्वि नाम पद्धति के आपके क्या हो जाएंगे, कुछ बेटा नियम हो जाएंगे, और इसके बाद आपका जो द्वि नाम पद्धति है वो समाप्त होगा। और इसके अगर जो विशेष, इसके कुछ विशेष नियम भी हैं, उस विशेष नियमों को, ये आपके 11th लेवल के लिए बिल्कुल है, इतना आप लिखोगे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और इसके जो विशेष नियम होंगे ठीक है, उस विशेष नियमों को हम लोग जो हमारी आने वाली क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको बताऊंगा बेटा त्रि नाम पद्धति। आपने अब तक द्वि नाम पद्धति सुना है, लेकिन मैं आपको बेटा त्रि नाम पद्धति भी बताऊंगा। और अब जो है वो डीपीपी का थोड़ा सा जो आंसर है, जिन जिन बच्चों ने डीपीपी का आंसर किया हुआ है, डीपीपी का जो जो बच्चों ने बताया था उनका मैं नाम बता दूं जल्दी से,
ठीक है, जो जो बच्चों ने डीपीपी का रिजल्ट दिया हुआ है, काफी बच्चों ने डीपीपी का आंसर किया था, तो उन बच्चों का जो है, ठीक है, मैं रिजल्ट बता दूं कौन कौन बच्चों ने लगातार डीपीपी का आंसर किया था हमारी पिछली क्लासेस में। तो जो सबसे पहली डीपीपी थी, सबसे पहली डीपीपी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन बच्चों ने आंसर किया था। सो पहली डीपीपी में बेटा आपका प्रियंका यादव, सुधांशु वर्मा, आशीष यादव, जूही कुमारी, रवि, रोशन कुमार, आदर्श शुक्ला और अमित जी, निकोल, केवन, अभी गेम वाईटी और अनाभिया फैज और जयराम बुनकर। इसके अलावा हमारे और कौन बच्चा था, हाँ प्रियंका यादव और करण जाट है, ठीक है, आदित्य कुमार। चलो वेरी नाइस, इतने बच्चों का मुझे आंसर आया था पिछली डीपीपी में, मतलब ये जो आपका बृहस्पतिवार की डीपीपी थी। और कल की डीपीपी में जो जो बच्चों ने आंसर किया था उनका आंसर सुन लीजिए बेटा। जी बेटा, कल के डीपीपी में जो आंसर किया, मतलब पिछले क्लास का, जूही कुमारी ने आंसर किया था बेटा, और रवि जी ने आंसर किया था, आदर्श शुक्ला और इसके अलावा देव गेमिंग, रोशन कुमार, अभी गेम वाईटी, ठीक है, आशीष यादव, इन बच्चों ने हमारा पिछली क्लास के डीपीपी का आंसर किया था। ठीक है, तो ये हमारे डीपीपी का आंसर हो जाएगा। और आज आप लोग क्या करोगे, आज आप लोग पूरा ये अच्छे से रिवीजन करोगे और आज आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके, इस वीडियो में आज केवल डीपीपी में आपको मैं, आज के डीपीपी में केवल मैं आपको आज दो क्वेश्चन दूंगा बस, इसका आंसर सब लोग करना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम और आम का वैज्ञानिक नाम, ये आज का बेटा क्वेश्चन होगा, सब लोग इसको अच्छे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।